प्रीति रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं छुआरे का हलवा बनाऊंगी, जिसे खजूर भी बोलते हैं, उसका मैं हलवा आगे बनाऊंगी। बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे हिट कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास आ जाए। हलवे के लिए मैंने छुआरा लिया है 500 ग्राम, गीला खजूर भी ले सकते हैं, मैं सूखे वाला डेट ली हूँ। और इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, उसका बीज निकाल लेंगे, इस तरह से बीज निकाल कर अलग कर लेंगे। बीज इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पीसेंगे तो इसमें बीज नहीं आना चाहिए। इस तरह से सारे छुआरे तोड़ लिए हमने, पूरे बीज निकाल लिए। अब हम इसमें हम दूध मिला देंगे, दूध हम इतना मिलाएंगे ताकि ये छुआरा पूरा डूब जाए। करीब करीब मैंने 600 ग्राम दूध लिया है, डूबने लायक दूध लेना है इसमें। और इसको 5 से 6 घंटा रख देंगे। 5 से 6 घंटा के बाद देखिए दूध पूरा सोख लिया है छुआरा, तोड़ के देखेंगे एकदम टूट जा रहा है। अब ये पीसने के लिए तैयार है। अब इससे मिक्सी जार में हम डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा अगर ज़रूरत है तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध भी डालकर पीस लेंगे, दूध का ज़रूरत है तो ही डालेंगे। और ये पीस गया है, ऐसा पेस्ट बना लेंगे। फिर हम सारे छुआरे को इस तरह से पीस लेंगे। कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे। घी 225 से 250 ग्राम तक हम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि छुआरा आधा केजी है तो घी ज़्यादा लगेगा, छुआरे के हिसाब से घी का मात्रा भी बढ़ते जाएगा। हम छुआरे की जगह गीला डेट खजूर आता है, थोड़ा गीला टाइप का रहता है, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसको भी थोड़ी देर के लिए भिगा लेंगे दूध में और ऐसे ही हम बनाएंगे। घी और छुआरे का जो पेस्ट है उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें दूध पड़ा है इसलिए इसको अच्छा से सुखाएंगे, घी में अच्छा से भुनना है लगातार मीडियम आंच पर। धीरे धीरे करते करते इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको पकाने में कम से कम 15 से 16 मिनट लग जाते हैं मीडियम आंच पे। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी हलवा है। धीरे धीरे ये घी में अच्छा से भुनाने लगेगा और ये कम होते जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। गुड़ 200 ग्राम मैंने लिया है, अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि खजूर भी मीठा रहता है, उसी हिसाब से डालना है। और गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा, अभी मेल्ट नहीं हुआ है, अभी और ये मेल्ट हो जाएगा और सूखेगा ये। इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स हम अपने हिसाब से ले सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स का भी ये बहुत टेस्टी लगता है। और इसको हम बीच में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, ताकि घी में ड्राई फ्रूट्स भून जाए, इसका कलर भी चेंज होने लगता है, घी पूरा छोड़ देगा, ये घी अलग से दिखेगा। हलवा जब भून जाएगा तो दानेदार लगेगा और इसमें पूरा घी छोड़ देगा। इस तरह से छुआरे का हलवा बन के तैयार है और बहुत ही दानेदार हलवा बने हैं और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और इसे हम 1 महीना तक रख के खा सकते हैं, एयरटाइट डब्बे में बंद कर लेंगे, और जब भी हम खाएंगे इसे निकाल कर थोड़ा गर्म कर लेंगे तब खाएंगे, क्योंकि घी पड़ा है ये जमने लगता है, इसीलिए इसको गर्म करके खाना ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हेल्दी हलवा है। अगर ये खजूर का हलवा आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये कैसा लगा आपको।
और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।